1 2 3। देखिए अभी आप यहाँ खड़े हैं, ये बहुत बड़ा फार्म हाउस है, लगभग 80 बीघा के करीबन का फार्म हाउस है। यहाँ पे आपको देखने के मिलेंगे सीताफल की बालानगर वेरायटी, ये देख रहे होंगे काफ़ी अच्छी क्वालिटी है बालानगर वेरायटी की। देन उसके बाद में इन्होंने जो ये बालानगर वेरायटी है, लगभग 50 बीघे के करीबन ने इन्होंने सीताफल लगा रखा है, तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन भी हो रहा है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी टेस्टी फल भी है ये। देन उसके बाद में इन्होंने संतरा लगा रखे हैं यहाँ पे लगभग 20 बीघे के करीबन में, तो संतरे की भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। इसके अलावा जामफल है, जामफल में इन्होंने लगा रखे हैं लखनऊ 49 है, संतरे में आपका नागपुरी संतरा है, पपीता आप देखेंगे यहाँ पपीता ताइवान वेरायटी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी। ये देख रहे हैं थोड़ी लंबी साइज़ का जो फल होता है वो ताइवान वेरायटी होती है, जैसे अपन ये देखें ये वाला, ये है ताइवान है उसमें, और आपको स्पष्ट दिख रहा है 786 रेड लेडी जिसको बोलते हैं, ताइवान 786, ये इस टाइप का फल होता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फल होता है। तो किसान भाई इस प्रकार का फार्म हाउस भी तैयार कर सकते हैं, यहाँ आप बीच में पपीता इंटरक्रॉप के रूप में ले सकते हैं। ये सीताफल का भी पौधा देखिए आप, इन्होंने किस प्रकार से यहाँ लगा रखा है सीताफल का देखेंगे, और सीताफल बहुत अच्छा फलन देता है और काफ़ी अच्छा पैसा देखा जाता है। सबसे पहले इसी का फल आपको मिलेगा, देन उसके बाद में आप पपीता ले सकते हैं, पपीता के बाद संतरा ले सकते हैं, जामफल ले सकते हैं, और अनार भी इन्होंने यहाँ पे लगा रखे हैं, अनार में लगा रखा है इन्होंने, भगवा किस्म लगा रखी है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से विशेष अनुरोध है कि अगर आपके वहाँ पानी की कमी हो और कोई पड़ती जगह भी पड़ी हुई हो तो वहाँ पे इस प्रकार से आप बगीचों का डेवलपमेंट करके और अच्छी इनकम ले सकते हैं। यहाँ इन्होंने किस प्रकार से 80 बीघे को इतना बढ़िया शानदार तरीके से मेंटेन कर रखा है, तो मैं एक बार और आपको वापस रिपीट करना चाहूँगा कि इन्होंने जो लगा रखा है बालानगर वेरायटी सीताफल की लगा रखी है, संतरे की नागपुरी वेरायटी लगा रखी है, अनार की भगवा किस्म लगा रखी है, देन उसके बाद में पपीता की 786 रेड लेडी जिसको बोलते हैं वो वेरायटी लगा रखी है, जामफल का इन्होंने काफ़ी अच्छी वेरायटी है लखनऊ 49 वेरायटी है ये भी लगा रखी है, और इंटरक्रॉप के रूप में ये तरबूज लगाते हैं, तरबूज के अलावा कद्दू लगाते हैं, और बहुत पानी की भी इन्होंने काफ़ी अच्छी सुविधा कर रखी है यहाँ पे, पानी के लिए बहुत बड़ा इन्होंने एक गड्ढा बना रखा है जो बारिश के पानी को स्टोर कर लेते हैं। अदरवाइज़ ये पूरा आप देख रहे होंगे यहाँ पे नीचे जो है काफ़ी बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं, लाल कलर के पत्थर हैं, और ये ऊपर ही ये पूरी जो मिट्टी है कंकड़ीली मिट्टी, ये बहुत इन्होंने काफ़ी फ़ायदा लिया है इसका, और ये मिट्टी इन पौधों के लिए बहुत अच्छी मिट्टी है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि इसी प्रकार की आप भी खेती करें, अच्छा उत्पादन लें, और अधिक जानकारी के लिए मुझसे संपर्क करें डॉक्टर दशरत कुमार शर्मा 7692840789 मेरे मोबाइल नंबर हैं, कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।